नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश भल्ला हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, किस्सा गो कहते हैं मुझे। वैसे तो मैं डॉक्टर हूँ, पर कहानियाँ सुनाने का मुझे बचपन से शौक है। एक बार दिल्ली में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू मेमोरियल ट्रस्ट का कार्यक्रम हो रहा था। इंडिया हैबिटेट सेंटर के बाहर काफ़ी भीड़ थी और देश के प्रख्यात जजेस, लॉयर्स और नेता लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे। वहीं पे राहुल बजाज साहब जो सांसद भी थे और उसके साथ ही वो बजाज ऑटो के चेयरमैन थे, वहाँ से गुजर वो मुझे जानते थे। कहने लगे, हेलो डॉक्टर भल्ला, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने कहा, सर यहाँ डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू की याद में एक एनुअल फंक्शन हो रहा है और आपको ये शायद मालूम नहीं है, कैलाशनाथ काटजू जावरा के थे, जहां के आपका भी रिश्ता है। कहने, हमारा कैसे रिश्ता है, हमारे जावरा से क्या लेन देना, कहाँ है जावरा? मैंने कहा, जिला रतलाम में जावरा एक सब डिवीजन है। कहने का, आप कैसे कहते हैं हमारा उनसे रिश्ता है? मैंने कहा, आपकी दादी हमारे जावरा की थी, हैं? ये तो हमें मालूम ही नहीं। पर फिर भी डॉक्टर साहब, मैं पूना जाकर ये चेक करूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। मैंने कहा, जरूर करिएगा। एक हफ्ते बाद उनका मुझे फोन आया और उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारा जावरे से रिश्ता है और हमारी दादी जानकी देवी बजाज जावरा की थी। जानकी देवी बजाज का जन्म 7 जनवरी 1893 को जावरा में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। 8 साल की उम्र में 12 साल के जमनालाल बजाज से उनका विवाह हुआ, जो औसत मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। बाद में जमनालाल जी एक व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण कर लिए और भारत के शुरुआती उद्योगपतियों में नंबर 1 हो गए और ऑटोमोबाइल में अग्रणी बन गए। महान धन के आगमन के बावजूद भी आपकी सादा जिंदगी, सीधी सादी जिंदगी वही थी जो वो पहले थी। ये उनकी खूबसूरती थी कि जमनालाल बजाज और जानकी देवी बजाज में इतना धन आने के बावजूद भी वो खादी के कपड़े पहनते थे और बिल्कुल सीधी सादी जिंदगी जीते थे। यह सादगी इसलिए संभव थी क्योंकि जानकी देवी बजाज ने भारतीय परंपरा में निहित पति की प्रवृत्ति को साझा किया। जमनालाल बजाज के आचरण के महात्मा गांधी इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने जमनालाल जी बजाज को अपना 5वां पुत्र घोषित कर दिया था। जानकी देवी बजाज ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और खादी, चरखा, गोसेवा और हरिजनों और उनके मंदिरों के लिए जीवन भर अपना सब कुछ दे दिया। उसको मिशन के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। विनोबा भावे के साथ भूदान पर भी आपने काम किया और पद्म विभूषण प्राप्त किया। जानकी देवी जी की याद में भारत में कई संस्थाएं हैं, जिसमें सबसे मशहूर जानकी देवी बजाज प्रबंधन संस्थान है। जाजोदिया परिवार जावरा का गर्व है। स्वर्गीय जानकी देवी जी कोठी बाजार जावरा निवासी चिरंजी लाल जी जाजोदिया की बहन थी। उनका विवाह जमना लाल जी बजाज, जो बाद में बजाज ग्रुप के उद्योगपति बने, उनसे हुआ था। उनकी बारात कोठी बाजार में आई थी और उनके भतीजे कमल नयन जाजोदिया भी उनके साथ गए थे, जो बाद में विनोबा आश्रम वर्धा में रहे और उनके साथ कई वर्षों तक उन्होंने समय भी बिताया और पढ़ाई भी की। जानकी देवी बजाज की स्मृतियां आज भी अंकित हैं और ऐसी देशभक्त और गौरवशाली महिला को शत शत नमन और जावरा वाले
उन पे गर्व करते हैं कि हमारी बेटी ने देश के स्वतंत्रता सेनानी बनने का और आजादी की लड़ाई में भाग लेने का गर्व प्राप्त किया और इतने बड़े उद्योगपति जमुना लाल जी बजाज की पत्नी बनी और आपके बच्चों ने बजाज ऑटो, बजाज टेम्पो ये सब जितनी ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जावरा ने जानकी देवी बजाज, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, सितार वादक उस्ताद हलीम जाफर खां और तबला नवाज उस्ताद अजीमुद्दीन खां जावरे वाले जैसे लोगों को पैदा किया। ये आज आपको कहानी सुनाई मेरे एक नगर की, जावरा की, जिसमें मुझे भी गर्व है। नमस्कार।